नमस्कार, सत श्री अकाल आप सबको। मेरा नाम गुलाम अली है। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा ताल्लुक जो है, मेरी तालीम उस्ताद वजीर हुसैन खान साहब। हमारा घराना हिंदुस्तान में सबसे पहला सारंगी का घराना है, सोनीपत पानीपत। ये सबसे पहला हिंदुस्तान का घराना है जहाँ से सारंगी का निकास हुआ, और जो जो भी इम्प्रूवमेंट जो भी हुआ है ज़्यादातर वो सब सोनीपत घराने में ही हुए हैं। और सोनीपत पानीपत सारंगी का उस वक्त एक गढ़ माना जाता था, सब सारंगी ही हुए हैं वहाँ पर, एक से वर्ष सारंगी। 17 पीढ़ी से हमारा घराना चला आ रहा है। मेरी खुशनसीबी के मैं इस घराने का शागिर्द हूँ। उस्ताद मियाँ बदर खान साहब सारंगी हलीफा, उनके पोते मेरे उस्ताद वजीर हुसैन खान साहब, और गाने की भी थोड़ी तालीम हमारा आगरा घराने से है, क्योंकि मेरे उस्ताद ने गाना अपने मामू उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब से सीखा, तो वही तालीम मुझे गाने की और सारंगी की मिली। आज मेरी बहुत खुशनसीबी है कि पंडित इंद्रलाल जी, उनके उनके जो पोते हैं विजय धांद्रा भाई, उन्होंने मुझे याद किया और मेरी खुशनसीबी कि मैं आज पंडित जी को एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, ना कि कोई परफॉर्मेंस, जो भी थोड़ा बहुत पेश करूँगा इंशाल्लाह। पंडित जी के बारे में बताना चाहूँगा, पंडित इंद्रलाल धांद्रे जी हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन सारंगी प्लेयरों में से एक सारंगी प्लेयर थे, और मैंने बहुत करीब से उनको सुना, उनका आशीर्वाद मिला। उस टाइम में जितने भी सारंगी प्लेयर थे बड़े बड़े, सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में जो पंडित जी, हमारे गुरु जी भी, उस्ताद वजीर हुसैन खान साहब भी, हफीजुल्लाह खान साहब भी, और काफ़ी आर्टिस्ट थे, साबिर खान साहब, गुलाम साबिर खान साहब, आशिक अली खान साहब, आसिफ अली चाचा, सब मेरे बड़े हैं और सब आला दर्जे के सारंगी प्लेयर थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो इन सबको सुनने का मौका मिला है और सबने मुझे प्यार दिया, उन सबका आशीर्वाद मुझे मिला। और ये विजय धांद्रा भाई उनके पोते हैं पंडित जी के, और विजय धांद्रा भाई को मैं बहुत ही मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो ये पेज शुरू किया है, मैं इसको फोरम नाम से, बहुत अच्छा किया है आपने, और दुआ दूंगा कि अल्लाह आपको और कामयाब भी दे। आप खुद बहुत अच्छा सारंगी बजाते हैं माशाल्लाह, और जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को ज्वाइन करें। आज की जो मैं मेरी प्रस्तुति है, जो भी मैं बजाऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो मेरे उस्ताद का है, कुछ मुझसे गलती हो जाए वो मेरी खुद की गलती होगी, ना कि मेरे उस्ताद की, क्योंकि उस्ताद जी ने तो मुझे बहुत अच्छा सिखाया है माशाल्लाह। खुद यूनी थे, उस आला घराने से हैं जो कि सबसे पहला घराना है सारंगी का। हमारे घराने की एक खासियत है जो मैं बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले, हमारे घराने में 4 उंगलियों से सारंगी बजती है। सबसे टफ जो चौथी उंगली होती है, तीसरी सप्तक, 3.5 सप्तक या चौथी सप्तक, ये एक फिंगर से ही जाती है तार। और एक चीज़ और, जो चीज़ ये मध्य सप्तक पे 4 उंगलियाँ चलती हैं, वही तीसरी सप्तक पे भी, वो बहुत मुश्किल है। मेरे उस्ताद अल्लाह बख्शे ऐसे जाते थे कि लोगों की एक सपाट तान जाती थी, वो 2 के आते थे उसमें। इस बात पे एक बात और कहूँगा मैं, सोनीपत से ही ताल्लुक़ रखने वाले आगरा के ही मेरे गुरुजी के साले साहब ही थे, अब्बास हुसैन खान साहब,
ऐसे जबरदस्त सारंगी थे वो कि सारंगी का एक गज में तीसरी सबकी सपाट बहुत मुश्किल होती, एक गज में वो आधे गज में तीसरी सबकी सपाट मार के आते थे। क्या रियाज होगा उनका। और सोनीपत घराने का जो स्टाइल है, सबसे पहले तो ये सोनीपत जो घराना है, सोनीपत पानीपत, ये पहले पंजाब हुआ करता था, 500 साल से भी पुराना घराना है हमारा। अभी हरियाणा हुआ है सोनीपत, तो हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान हो या जो भी हो, है तो हमारा हिंदुस्तान। सबसे बड़ी बात कि हमारे हिंदुस्तान का साज है सारंगी। और चार उंगलियों की सारंगी बजती है, फिंगरिंग, जैसे फिंगर की उंगलियों की सारंगी, गज की सारंगी, गज गट्टे की सारंगी। तो हमारे घर में, हमारे जो घराने में ना फिंगरिंग का ज़्यादा इस्तेमाल है, चौवे की सारंगी, जिसको गट्टे की चौवे की सारंगी बोलते हैं। और जो स्टाइल है हमारा, ज़्यादातर चौगुन का स्टाइल है, चौगुन तान मारने का। और एक तान जो है ढाई तान जिसे बोलते हैं, इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा सब लोग, साथ जैसे लोगों को पता नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि ढाई तान जो है सिर्फ और सिर्फ सोनीपत घराने की ही है। इंशाल्लाह वो भी सुनाऊंगा मैं आपको, वो भी सुनाऊंगा। उस्ताद मियां बदर खान साहब बापू भी इसको ऐसा बजाते थे, उस्ताद मियां हैदर बकरी जी, मेहताब खान साहब, बहुत बुजुर्ग हैं अभी जो पानीपत सोनीपत के हैं। तो ढाई तान बहुत मशहूर हुई है, वो सिर्फ सोनीपत की ही है। जो कि अगर और लोग बजाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, एक दूसरे का सुन के बजाना चाहिए। अगर हम मुझे किसी का अच्छा लगेगा तो मैं भी बजाऊंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर कोई किसी की चीज़ बजाए तो उसका नाम ले, मतलब उसको ये बोले कि भैया हाँ इस घराने की मैं बात हुआ। अगर उसको बोले आप ये ढाई तान हमारे घराने की, तो वो गलत है। वो ढाई तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोनीपत पानीपत की है, जो मियाँ बदर खान साहब बजाया करते थे सारंगी के खलीफ, जिनको खलीफा का खिताब है। खैर अब ये तो वो घरानों की बात है, सब घराने अपने अपने मायना से। मैं किसी को, मेरी इतनी बिसात नहीं कि मैं किसी को के बारे में गलत बोलूं। मैं सब बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ, सब बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग हैं और सभी हमारे उस्ताद हैं। जितने भी बुजुर्ग हैं किसी भी घराने के हों, सब हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और सबसे गुजारिश है जितने भी हमारे भाई सारंगी बजाते हैं, माशाल्लाह एक से एक बजाने वाले हिंदुस्तान में नाम में तो बहुत सारे हैं, और सभी हमारे भाई हैं। हमें आपस में अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करना है, ना कि एक दूसरे में कमियाँ निकालना है या वो करना, लेकिन ईमानदारी से। अगर मैंने बतलाया कि जैसे मेरे उस्ताद उस्ताद वजीर हसन खान साहब हैं, तो उनके खलीफा थे आगरा घराने के, उनका नाम भी गुलाम अली अब्बास था, वो मेरे मामू थे। उन्होंने भी मुझे गायकी की थोड़ी तालीम दी। हफीज़ुल्लाह खान साहब किराना घराने के इतना प्यार करते थे मुझे, हमारे उस्ताद के पास बैठते थे, डेली उनका बैठना होता था कि मैं छोटा सा रियाज करता था। उन्होंने भी कुछ मेरे को थोड़ा सा बतलाया, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दिन के अगर उस्ताद होते हैं तो सबको मानना चाहिए, तभी ये काम जो है दुआओं का है। और घराना तो होता ही है, लेकिन ये है करत विद्या, जो करेगा उसका है ये। अब हम कहें कि हम फलाने घराने से, ये घराने से, भाई करके भी तो दिखलाओ। जो लोग खुद कहें कि आप इस घराने से, आप ही उन बुजुर्गों के बच्चे हैं, खैर बातें बीच बीच में चलती रहेंगी। तो अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या बजाऊं, और ये मैं पंडित इंदर लाल जी की को एक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। वो बहुत बड़े सारंगी प्लेयर थे, मैं तो बच्चा हूँ उनके आगे। तो टाइम हालांकि ये टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया राग का। एक राग है मालश्री, जो तीन सुरों का राग है,
तो पहले मैं आपको तीन सुरों में वो कोशिश करूंगा सुनाऊंगा क्या, कुछ भी गलती हो जाए तो वो मेरी गलती समझ के माफ कीजिएगा। तो तीन सुरों का है, फिर उस पे दो सुर और ऐड किए गए क्योंकि तीन सुर में बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादातर जो मान्यता दी गई है कम से कम पांच रागों को, पांच सुरों के राग को मान्यता दी गई है। तो उसमें दो सुर और ऐड करें जब जाके मालश्री का एक अलग रूप हुआ। तो पहले मैं आपको तीन सुरों में सुनाऊंगा फिर पांच सुरों में। सब लोगों से जितने भी सब लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा चलूंगा भाई, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस एक पंडित जी को श्रद्धांजलि मिली। विजय धांद्रा भाई इजाज़त चाहूँगा, जितने भी लोग सब मेरे बुजुर्ग बड़े छोटे सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। और मैं तारुफ कराना चाहूँगा तबले पे मेरे छोटे भाई हैं, ये बहुत छोटे ज़रूर हैं लेकिन अपने काम के बहुत बड़े बहुत उस्ताद हैं माशाल्लाह, और खुद बहुत बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, उस्ताद रफीउद्दीन साबरी भाई, हिंदुस्तान के बहुत आला दर्जे के तबला प्लेयर हैं, बहुत लाजवाब तबला प्लेयर हैं, ये उनके शागिर्द हैं रफीउद्दीन साबरी भाई के। तो भाई निभा लेना सब। ज़्यादा तो नहीं आ रहा तो अगर एक मैसेज कर दें या बचपन में उस्ताद जी से सीखा था ये राग, बहुत सालों के बाद बजा रहा हूँ, बीच में कभी बजाना हुआ नहीं तो भाई गलती की माफी चाहूंगा। Thank you.
इसको कई अंदाज से बजाते हैं, जिसको हमने चौथी सप्तक का बनाया है। जैसे सुरों में भी मालसीरी बजता है। Thank you.
अच्छा भाई छोटी सी कोशिश ये है, क्योंकि राग बहुत मुश्किल है, हम क्या बजाएंगे ये बड़े बड़े राग, ये तो हमारे बुजुर्ग बजाएंगे, हम तो बस छोटी कोशिश कर रहे हैं कि अपने बुजुर्गों का नाम लेने काबिल हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। गाना बजाना तो हमारे बुजुर्ग कर गए, जिनके नाम के झंडे गड़े हुए हिंदुस्तान में दुनिया में, बस हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को कम से कम इस लायक बना लें कि लोग खुद कहें कि आप ये फलाने खा सबके पोते हैं, उनके बेटे उनके शागिर्द हैं। तो असली गाना बजाना तो हो चुका, ये तो सिर्फ एक अपने दिल को अपनी परंपरा को बस कायम रखने की हमारी पूरी पूरी सबकी कोशिश है। और हिंदुस्तान में अभी इस साज की वैल्यू और माशाल्लाह बढ़ गई है, किसी ज़माने में ये साज थोड़ा कम हो गया था, आजकल यंग में भी और हमसे छोटे बच्चे बहुत अच्छा अच्छा बजा रहे हैं। अभी जैसे हमारे साथ के जैसे हमारे मुराद अली भाई हैं, बहुत बेहतरीन हिंदुस्तान के सारंगी प्लेयर हैं, दिलशाद हैं, दिलशाद मेरे भाई हैं छोटे भाई, बहुत सुभान अल्लाह सारंगी प्लेयर, मतलब जितनी तारीफ करी जाए इन सबकी, मुराद अली, दिलशाद भाई, साबिर, सरवर हुसैन भाई, अल्लाह रखा भाई, कलावंत भाई, सब बहुत, ये मेरे खुद फेवरेट सारंगी हैं, ये सब मेरे भाई हैं। और हमारे जो उस्तादों में हमारे उस्ताद के साथ ये लोग थे, जैसे साबरी खान साहब, आपके दादा पंडित इंदर लाल जी, हफीजुल्लाह खान साहब, और दिल्ली के उस्ताद मसीद खान साहब, क्या क्या गजब के सारंगी करते हैं सुभान अल्लाह, उस्ताद सुल्तान खान साहब, पंडित राम नारायण जी, इनको सब दुनिया जानती है। कुछ नाम ऐसे हैं जो जिन्होंने सारंगी को एक रूप दिया, एक रंग दिया, और बड़े दिग्गज सारंगी थे, जिनको बहुत कम मेरे ख्याल से लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि इतने नाम हैं कि कभी कभी दिमाग से उतर जाते हैं, कुछ कुछ मैंने लिखे हुए हैं, नोट किए हैं, जैसे बंदू खान साहब, तो खैर सुभान अल्लाह, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली घराने फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब फैमिली से हूँ, लेकिन मैं शागिर्द नहीं हूँ दिल्ली घराने का, अपने घराने का नहीं हूँ, मैं शागिर्द जो हूँ सोनीपत पानीपत घराने का नहीं हूँ, मेरी जो शागिर्द होंगे, जो मेरे बच्चे होंगे, जो भी हैं, वो सब सोनीपत के ही होंगे, ये नहीं कि मैंने सीखा सोनीपत पानीपत से और मैं बना लूँ अपना घराना, वो गलत है, जिनसे सीखो उन्हीं का नाम लो तभी अल्लाह नवाजता है। बड़े गुलाम साबिर साहब खान साहब अंबाले वाले सुभान अल्लाह क्या सारंगी थे, पानीपत के फजल खान साहब, आशिक अली खान साहब, फजल खान साहब, जीनू खान साहब, काले खान साहब, पन्नो खान साहब, बहुत नाम है, मतलब एक से एक, और जिनमें मैंने एक नाम लिया अब्बास हुसैन खान साहब, जिनका हमसे तो खैर हो गए नहीं, वो एक एक गजबती थे, हमसे तो होगी भी नहीं, वो एक गज में हो जाए बहुत बड़ी बात है, तीसरी सबकी आधे गज में, इस आधे गज में तीसरी सबकी सपाट मार के आते थे, करके आते थे। और सोनीपत घराने के, पानीपत घराने के एक नाम ऐसा लूंगा मैं, जिन्होंने इस घराने को, जो शागिर्दों में आते हैं, जैसे कि मैं शागिर्द में हूँ, उस जमाने में एक शागिर्द हुआ करते थे सोनीपत पानीपत के उस्ताद मीरज खान साहब, मियां हैदर भगत जी के शागिर्द, बदल खान उस्ताद बदल खान साहब के वाली साहब के शागिर्द, तो बदल खान साहब खलीफा हुआ उनके, जिन्होंने इस घराने को और चार चांद लगाए, मीरज खान साहब, ये दो नाम ऐसे हैं उस्ताद बदल खान साहब और मीरज खान साहब की जो कोहिनूर हीरा है सोनीपत पानीपत घराने के, मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानेगा वो जान ले, और नाम लें उन बुजुर्गों का तो बहुत ईमानदारी की है। एक्चुअली मैं
फोन मेरे से थोड़ा दूर है तो सबके जो मैसेज आ रहे हैं मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझसे थोड़ा दूर है फोन, इसलिए मैं झुक के देख रहा हूँ। हेलो जी, अभी ठीक है? ओके नॉट परफेक्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर कश्यप साहब नमस्कार, अभी सही है, कोई बोल रहा सही है, अभी बोलना ठीक, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा इसको बस छेड़ अभी ठीक है, एक बेसिस करी भेजे भाई, परफेक्ट ओके भाई, माफी चाहूंगा सब लोगों से, फ्रेम टेढ़ा था क्योंकि राग भी टेढ़ा ही था, तो जब ये राग इतना टेढ़ा बजा है तो फ्रेम टेढ़ा हो गया उससे, मेरी आदत थोड़ी सी हंसी मजाक की भी है भाई, कोई गलती लगे तो माफ कर देना, अभी कुछ सीधा राग हो जाती है तो कुछ फ्रेम भी सीधा हो जाएगा, हम भी सीधे हो जाएंगे। शब्बीर भाई, भाई सब लोग मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फोन मेरे से दूर है, अब आवाज सही आ रही है, मान साहब की हयात, हयात हुसैन, ये हयात हुसैन खान साहब मेरे गुरुजी के नवासे, असली तो माशाल्लाह ये लोग भाई सोनीपत पानीपत के, भाई हम तो गुलाम हैं सोनीपत पानीपत के, शागिर्द हैं, तो फिर दोबारा से इजाज़त दूंगा, और नाम तो खैर बहुत सारे हैं, मैंने बताया सोनीपत पानीपत के सारंगी के जो खलीफा उस्ताद भी है बदल खान साहब और मीरज खान साहब, तो बाकी बाद में और बात करेंगे इंशाल्लाह, अभी राग थोड़ा सा सोचा है जो मूड में आ रहा है, मैं कभी भी मतलब कोई सोच के नहीं बैठता हूँ कि क्या राग बजाना है क्या नहीं, जो अल्लाह बजवा दे, हाँ अल्लाह जो बजवा दे, अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि अजान हो रही है, तो उस दौरान हो गई, होने वाली है, अच्छा होने वाली है, कितने देर में, 2 मिनट 2 मिनट है, तो 2 मिनट में बात ही कर लेते हैं। हाँ विजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा बस एहतराम है, बस सब बराबर हैं, अल्लाह भगवान वाहेगुरु जीजस हम उनके बंदे हैं, और बस उनका नाम लें उनकी कृपा ही होती है बस सबसे बड़ी। जैसे कि मैंने अभी बतलाया, मैं इस बात पे आऊंगा कि जितने भी नाम बताए अपने भाइयों के, मेरे भाई हैं सब, और मुझे खुशी होती है, मैं कभी भी किसी से कोई जेलेसी नहीं रखता हूँ, सब मुझसे बहुत अच्छा बजाते हैं, सब बहुत अच्छे बजाते हैं, मैंने जैसे सबके नाम लिए, एक नाम हमसे छोटा जरूर है लेकिन काम में बहुत बड़ा है, सुहेल, यूसुफ सुहेल साबरी खान साहब का नवासा, बहुत अच्छा बजाता है, मेरा बहुत पसंदीदा सारंगी प्लेयर है वो, और छोटे बच्चों में अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं थोड़ा सा सारंगी ट्यून कर रहा था तो मैंने मैसेज देखा, अल्लाह रखा कलावंत भाई का लड़का बहुत अच्छा बजा रहा था माशाल्लाह, मुल्तानी शायद मुल्तानी बजा रहा, थोड़ा सा ही सुना मैंने, सुभान अल्लाह, जीते रहो बेटा, अल्लाह कामयाबी दे, और सरवर भाई का लड़का भी बहुत अच्छा बजा रहा है, जितने भी बच्चे बजा रहे हैं सारंगी मैं दुआ दूंगा उनको दिल से कि अल्लाह उनको कामयाबी दे, तरक्की दे, क्योंकि ये साज इतना मुश्किल है, इसको बजाना तो बहुत बड़ी बात है, मिलाना ही बहुत आ जाए ना तो वही बहुत बड़ी बात है, इसका मिलाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। हो गए यार, अभी नहीं हुई, होने वाली है, मेरा मूड कुछ ऐसा हो रहा है कि राग चंपा कली मैं सोच रहा हूँ बजाने की,
उसके बाद जैसा जैसा विजय भाई का टाइम के हिसाब से जैसा बोलेंगे इंशाल्लाह वैसे हाजिर होऊंगा मैं। शुक्रिया विजय भाई जी, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, बस अजान की वजह से मैं रुका हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में फिर अच्छा नहीं लगेगा कि हम बजाएं और जैसे कि अभी बताया कि सोनीपत पानीपत जो है पहले पंजाब हुआ करता था, अभी हरियाणा है, तो हमारा जो स्टाइल है ना वो टिपिकल गायकी अंदाज है और टप्पा टप्पा अंका हमारा बजाना है और चौगुन की ताने ज़्यादा उपज उपज की सारंगी बजती है हमारे यहाँ। हमारा कोई फिक्स नहीं होता कि जैसे तिहाइयाँ फिक्स कर ली, ये बजाया वो बजाया, जो उपज का गाना बजाना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हमारे घराने में उपज का गाना बजाना रहता है, उपज की ताने होती हैं जो भी होती हैं, चौगुन का हिसाब होता है, फिंगरिंग का हिसाब होता है, चौवा जैसे लड़ता है जैसे, और गस गट्टी की सारंगी बजती है। गस का इस्तेमाल हमारे घराने में नहीं ज़्यादा नहीं होता है, मतलब आजकल के दौर के हिसाब से पब्लिक टेस्ट जैसे कि पब्लिक को पसंद आता है, जैसे सितार में झाला बजता है तो डॉक्टर साहब ने बोला सोनीपत का कोई खास राग, तो डॉक्टर साहब सरंगी सोनीपत की ये राग तो सब वहीं के हुए, सबसे बड़ी बात। आपका मैं खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत, आप हमारे बड़े हैं, सो बात की एक बात कि सारंगी वहीं से निकली है तो उसको समझना ही बहुत मुश्किल है। और कुछ राग जैसे मैंने बताया, वो जो अभी राग मैंने इससे पहले आपको सुनाया, ज़्यादातर वो राग बजा है मालसरी, तो आपने अभी जैसे मुझे हुक्म दिया कि कोई ख़ास राग बजाइए, तो वही मैंने सबसे पहले वही बजाया। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा थोड़ा सा गाने का ताल्लुक, थोड़ा सा गाना जो सीखा हमने आगरा घराने से, यानी मेरे गुरु जी पहले गवैये थे, सारंगी उन्होंने अपने वालिद साहब के कहने पर शुरू करी कि भाई तुम्हारे घराने में सारंगी बजती चली आई है, तो आप सारंगी हमारे तक ख़त्म हो जाएगी, तो उनको वो बात लगी दिल पे, तो उन्होंने 6 महीने साल भर में सारंगी तैयार कर ली, क्योंकि वो खुद गवैये थे, उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब उनके मामू मेरे नाना उनके शागिर्द थे, और गुलाम अब्बास खान साहब आफ्ताब मौसकी उस्ताद फैयाज खान साहब के शागिर्द थे। तो खैर आगरा की गायकी बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी मैं वो कोशिश करता हूँ मुझसे मतलब, और उसमें मुझे एक गायकी जो अंदाज पसंद जो है वो कसूर पटियाला का, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, नज़ाकत सलामत खान साहब, तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, और उस्ताद नसीर खान साहब, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं सब गवैये हैं, तो सारे अच्छे, लेकिन मैं बड़े गुलाम अली खान साहब और इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो उनकी तो हम पैरों की धूल भी नहीं है। तो हो गए भाई अजान, आज मुल्ला जी को क्या हो गया, अभी तक खड़े नहीं हुए अजान देना, हम पहले ही रोक दिया तुम लोगों ने मुझे। तो जैसे मेरे मामू गुलाम अली जो मेरे उस्ताद के खलीफा भी थे, वोकल जो सीखा उन्होंने, तो जो उनका तानों का जैसे मैं ऐसे ही गा के बताता हूँ, सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, और आगरा की क्या सभी घरानों की बहुत अच्छी अच्छी बंदिश होती हैं, लेकिन कुछ मशहूर हैं आगरा की भी बंदिश हैं, वो भी एक आध कुछ सुनाऊंगा।
जैसे ये राग अभी जो मैंने गाया, ये जोग की तान थी, तो उसमें साजन मोरे घर आए, ये बहुत फेमस आगरा घराने की बंदिश है। अभी आगरा घराने के जो गायक हैं, अभी जो गा रहे हैं, वो हैं हमारे भाई वसीम अहमद भाई, कलकत्ता में। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सुभान अल्लाह, बेहतरीन गाते हैं भाई, अल्लाह उनको सलामत रखे। और आगरा घराना अभी माशाल्लाह ऐसा गा रहे हैं वो, उनसे अच्छा नहीं है कोई। और एक मेरे उन्हीं के मामू हैं राजा मियाँ खां साहब, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उस्ताद का दर्जा देता हूँ, मानता हूँ। कुछ बंदिश हैं जैसे पूरे धनश्री की है, पाए लिया झनकार, और बहुत सारी है बंदिश है। हुई भैया अजान, क्या बात है। इन लोगों ने, मेरे शागिर्दों ने मुझे पहले पहले से रोक दिया, अभी अजान का टाइम 2 मिनट रह गया होने में, और 1 मिनट ही लगता है उसमें। चंपा वर्दी पेश करूंगा इंशाल्लाह। आपके सामने पेश करेगा गुलाम अली चंपा के लिए। वाह, अच्छी अच्छा बंसरा बना है। पेश कर रहा है गुलाम अली राग चंपा गली। वाह जी वाह, पीलू भी इंशाल्लाह जरूर जरूर। देखो मुल्ला जी के साथ ही हो जाएंगे, अभी तक आसान नहीं हुई, बीच में रोक देंगे। चलो इशारा कर देना आसान होता, तुमने पहले से मुझे रोक दिया। बजाने में जो भी गलती हो, फिर मैं फिर से मैं कहूँगा कि उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गर्मी से ना सांस उतर उतर अस्सलाम वालेकुम उस्ताद रज़ा अली खान साहब, इजाज़त चाहूँगा भाई साहब। मेरे फेवरेट गवैयों में से एक गवैये हैं उस्ताद रज़ा अली, रज़ा भाई इजाज़त चाहूँगा। Thank you.
रजा भाई का कमेंट इतना खूबसूरत आया है। भाई आप मुझे टाइम बताते रहे, कितना टाइम है मेरी तरफ से, जितना आप कहोगे इंशाल्लाह उतना ही देर में आपके लिए हाजिर हूँ। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह पूरी रात भी सुनाऊंगा, बस नेट का प्रॉब्लम है, पूरी रात शायद नेट चले ना चले। एक घंटे में नेट शो हो जाता है, बड़े से बड़े देखा है मैंने, क्योंकि नेट का कनेक्शन जब MB कम हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती है। ओके डॉक्टर साहब अभी है
जो कि बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है, यहाँ चारों उंगलियां एक साथ बहुत जैसे इम्पॉसिबल वाली बात है। कोशिश करते हैं। Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत मन जी, विमल भाई, शब्बीर भाई, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वो हुक्म करें मेरे भाई, जैसा आपका हुक्म होगा आपको अच्छा लगे आप बताइए। गर्मी बहुत है इधर, पंखा इसलिए बंद किया ताकि इन तो पंखे की आवाज़ आती है। सत्ता है जो भी है मेरे पास जी, 5 मिनट निशुल्क ले लो जी। पांच मिनट में निशुल्क पिल्लू सुनाता हूँ। और 5 मिनट में और आपके लेना चाहूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि सोनीपत पानीपत घराने में अगर हीर ना बजे तो मुझे लगता है वो शायद इनकम्प्लीट रहेगा। पंजाब का मैं कुछ फोक जो पंजाब का स्टाइल है जो मुझे बेहद पसंद है, जो कि हमारे यहाँ है उसका अंदाज, तो वो भी मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा, जो थोड़े से पंजाब के फोक हैं, पंजाब का स्टाइल, कोक स्टाइल। पहले मिश्र पी लूँ फिर उसी से ख़त्म करेंगे। चलो
बड़े मोन से उस्ताद जी हमारे बजाया करते थे, उनका अंदाज
लीजिए भाई। पर अगर थोड़ा सा टाइम है तो कुछ बजा दो 5 मिनट का, या फिर जैसा आप बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 5 मिनट्स डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा मेरा मूड बनाया है आपका। सिर्फ एक छोटा सा मैं सारंगी के साथ गा के सुनाऊंगा, तान सिर्फ ऐसे कोई सा भी राग जो दिल में आ गया। गुस्ताखी हो गई तो माफी चाहूंगा, क्योंकि अब लास्ट में मेरी तरफ से तो लास्ट नहीं है विजय भाई, आपकी तरफ से लास्ट लास्ट है।
तो मेरी तरफ से तो आप जितना बोलोगे उतना बजा दूंगा। अब तो मूड बनना शुरू हुआ है। भाई देखिए, सारंगी के साथ गाना मैंने सिर्फ अपने उस्ताद को ही सुना, और माशा और भी बजाते होंगे बुजुर्ग, मैं ये नहीं कह रहा, बजाया होगा सबने गा के। एक गाना होता है जैसे सबसे पहले तो ये जो आ जो जो तान है पहले वो गले में आने चाहिए, तो उसके लिए रियाज गाने का पूरा पूरा और गाएगी सीखनी पड़ती है जब आएगी, और एक साथ बजा के गाना वो ज़रा सा मुश्किल है। तो मैं ये नहीं बोला कि मैं मुझसे हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ, आप सबकी दुआओं से हो जाता है बस थोड़ा सा। इसमें 5 मिनट बस मैं विजय भाई ये इसके बाद ख़त्म, और पंजाब की कुछ फोक स्टाइल पंजाब का जिसमें हीर भी आ जाएगी और रांझा भी आ जाएगा, और जो जो थोड़े थोड़े से फोक स्टाइल हैं टाट जत्ता जो पंजाब का मशहूर है टाट जत्ता वो स्टाइल भी, क्योंकि मेरे शागिर्द भी सारे सब देख रहे हैं, उनकी भी खुशी है और सबके लिए सभी के लिए। हाँ, एक साहब ने कोई मैं नाम भूल गया वापिस जाऊँगा, वो कमेंट्स शायद वो ऊपर चला गया नीचे, उन्होंने पूछा था कि सोनीपत घराने में सोनीपत पानीपत घराने में आपके अलावा और कौन है, तो बहुत अच्छा सवाल जिसने भी पूछा है जनाब से मेरे उनके लिए कि भाई मेरे अलावा मेरे गुरुजी के पोते उनके बेटे के बेटे बॉम्बे में जो मेरे बड़े खलीफा उस्ताद शरीफ अहमद खान साहब तबला प्लेयर थे, पहले वो गवैये थे, उस्ताद अफाक खान साहब तबला प्लेयर उनके भांजे भी हैं लखनऊ घराना, उस्ताद अफाक खलीफा अफाक खान साहब के शागिरद और भांजे भी, तो मेरे खलीफा जी उनके बेटे हैं रईस अहमद खान, बॉम्बे में बहुत अच्छा सारंगी बजाते हैं। छोटे खलीफा जी जहान अहमद खान साहब उनके बेटे जिशान अब्बास बहुत अच्छा सारंगी बजाते हैं लखनऊ में, और हमारे गुरुजी की जो बेटी हैं मेरी बहन बड़ी उनके बेटे हैं उन उस्ताद जी के नवासे हयात हुसैन खान साहब, जो कि अभी लखनऊ में माशाल्लाह बहुत अच्छा बजा रहे हैं वहाँ, और हमारे मेरे शागिरद भी हैं, उनके भी शागिरद हैं पंजाब में, मेरे बहुत सारे शागिरद हैं दिल्ली में बॉम्बे में, तो ये घराना आगे चलता जा रहा है इंशाल्लाह और चलेगा आप सबकी दुआओं से, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि सारंगी का निगास कहाँ से है, सब जानते भी हैं वो शायद नहीं कहते हैं, वो अल्लाह जाने क्यों नहीं, बस मेरा किसी से कोई वो नहीं है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा कुछ कि भाई नहीं मेरा ही घराना है। बाकी देखिए, जब तक पहला एक घराना नहीं बनता दूसरा घराना कैसे बन जाएगा, जब तक सारंगी नहीं पैदा होगी, तो सारंगी जो पैदा हुई है जो बनी है जो भी निकास हुआ है वो सोनीपत पानीपत से हुआ है, सबसे पहला सारंगी का घराना है, फिर बाकी घराने बने हैं और सब हमारे सराखों पर और सब बुजुर्ग हमारे सराखों पर, हम सबके शागिरद हैं, सबको मानते हैं प्यार करते हैं। अब शीर में आपके लिए
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।